हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी अबाउट द स्ट्रेटेजी। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे नए सिलेबस की स्ट्रेटेजी, नए सिलेबस की जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ड होगी नए मॉक टेस्ट पेपर पे। नए सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर रिलीज़ कर दिए इंस्टीट्यूट ने, और मैं जल्द ही उनके बेसिस पर आपके लिए स्ट्रेटेजी लेकर आऊँगा कि क्या क्वेश्चन हमें करने चाहिए पेपर में, क्या अटैम्प्ट करना चाहिए और क्या अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। लॉ के ग्रुप वन के भी आएंगे और ग्रुप टू के भी आएंगे। पिछली बार ग्रुप टू के नहीं आ पाए थे, इस बार ग्रुप वन और ग्रुप टू दोनों के आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का दे पाऊंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉ, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, OMSM और कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट। इनके आपके स्ट्रेटेजी वीडियो मैं जल्द ही अपलोड करूंगा धीरे धीरे इसी चैनल पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट है, जब भी उनका मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होगा उसके बाद उनकी स्ट्रेटेजी भी रिलीज करूंगा मैं भी। तो अभी मॉक टेस्ट पेपर ओल्ड सिलेबस वालों का नहीं आया है, जब भी आएगा आप मुझे बता देंगे, मेरे को ही पता चल जाएगा हालांकि, तो मैं उनके बारे में उनके लिए स्ट्रेटजी बना देंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट इस वीडियो को बनाने के लिए ये है, कृपया करके कोई भी स्टूडेंट पुरानी स्ट्रेटजी को फॉलो ना करे। सर, पुरानी स्ट्रेटजी सिर्फ पुराने सिलेबस के बेस पर है, नए सिलेबस के बेस पर ही बनाई थी, पर वो पुराने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से है। मेरे हिसाब से अब जो नई स्ट्रेटेजी होगी वो नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से होगी। आपको पता है हमारा एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है, कई सारी वीडियो यूट्यूब पर आपको देखने को मिली, इसलिए मैंने बनाई भी नहीं, क्योंकि एक ही चीज़ 10-10 लोग बनाएंगे, इन्फॉर्मेशन तो एक ही देनी है ना, तो इसलिए मैंने वो वीडियो नहीं बनाई एग्जाम पैटर्न के अलावा। बट एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है, अगर आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, और उस नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से नई स्ट्रेटेजी हम लेकर आएंगे। इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट वीक तक सारी स्ट्रेटेजी आपके हाथ में आ जाएगी। ओल्ड सिलेबस की स्ट्रेटेजी मैं तभी बना पाऊंगा जब वो ओल्ड सिलेबस के मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा। नए सिलेबस के रिलीज हो गए, नए सिलेबस की स्ट्रेटेजी बना देंगे। इसके बावजूद एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे को और बतानी है। दोस्तों, हमने बुक लॉन्च करी है, मैंने अपनी बुक लॉन्च करी है। ये बुक इतनी पतली है लॉ की, कोई भी स्टूडेंट अगर इस बात से परेशान है कि मैं कैसे अपना लॉ का एग्जाम दूं, किस तरीके से मैं अपने लॉ का पेपर को कंप्लीट करूं, वो इस बुक को ले सकता है। ये बुक PDF में अवेलेबल नहीं है दोस्तों, हार्ड बुक में अवेलेबल है। 500 रुपये इसकी बुक की कॉस्ट है, आपके घर हम भिजवाएंगे प्रिंट करके, ऐसे ही फॉर्मेट के आपके अंदर, आपके घर आपके पास पहुंच जाएगी। 100 बुक का ऑर्डर हमारे पास आ गया था, हमने उन सभी को भिजवा दिया है। अभी भी थोड़ी थोड़ी जा रही है धीरे धीरे, जिनके घर दूर है दिल्ली से, मैं दिल्ली से भिजवाऊंगा, तो जिनके घर दूर है वो पहुंच जाएगी, एक हफ्ते के अंदर आपको बुक मिल जाएगी। अब इस बुक का यूज़ क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, देखिए आपने पूरा लॉ का सिलेबस पढ़ा, बुक आप देख सकते हैं, आपने पूरा लॉ का सिलेबस पढ़ा, बुक का आप एक बार पर्चा देख सकते हैं, ये इस तरीके से हमारे पे बुक रहने वाली है, इतनी पतली होगी। पूरा सिलेबस आपने लॉ का पढ़ा, अब एंड टाइम में हम रिवीजन करें तो क्या करें, हम पढ़े तो क्या पढ़े, उसमें ये बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ सकता, वो इतनी मोटी बुक तो नहीं पढ़ सकते हम, इसलिए मैंने एक ऐसी बुक बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हुए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पास्ट ईयर से लेकर ढूंढ ढूंढ कर सब कुछ चीजें। और सबसे बड़ी दुविधा ये आती है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी पड़े हुए हैं, पर दुविधा ये आती है कि उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर कहाँ से लेकर आए, किस तरीके से लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो भी इसके अंदर डाले हुए हैं। इस बुक के अंदर नए सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, पुराने सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, दिसंबर 2023 के लिए एप्लीकेबल है, जून 2024 के लिए भी एप्लीकेबल है। तो अगर कोई भी बच्चा इस बुक को लेता है बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के अंदर, इसमें से कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एज इट इज कॉपी में फंस जाएंगे पेपर के अंदर। और अगर आपको यकीन ना हो तो इस बुक का पहला पन्ना पढ़ लीजिएगा, पहले दो पन्ने में स्टूडेंट के रिव्यू मैंने डाले हुए हैं। अगर आप ये बुक लेंगे तो उस रिव्यू में ये लिखा हुआ है कि पेपर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आता है। मैं भी पिछले कई सालों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा हूँ और उसमें से पेपर आता है। इस बार मैंने आंसर के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो चैप्टर छूट गए थे वो भी डाल दिए हैं। नए सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए एप्लीकेबल है, उसमें लिख दिया है बुक के अंदर कि कौन सा न्यू सिलेबस क्या है, कौन सा ओल्ड सिलेबस का पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अगर आप ये बुक कराना चाहते हैं बुक को, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का डिटेल मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके सीधा ही कह सकते हैं कि मुझे लॉ बूस्टर बुक चाहिए, 500 कॉस्ट है। पेमेंट करने के बाद 1 वीक का आपका वेट करना होगा, एक हफ्ते में आपके घर आ जाएगी। सैटरडे संडे इंक्लूड नहीं होगा 1 वीक के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे बाकी छुट्टी होती है ना हर जगह, इसलिए तो एक हफ्ते में आपके घर बुक आ जाएगी। और जब सबके घर बुक आ जाएगी तो मैं इसमें आपको कुछ डायरेक्शन भी दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है और किस पे नहीं करना है। ठीक है जी। तो ये कुछ अपडेट था, नई स्ट्रेटजी आएगी, बुक आपके बारे में बता दिया है, कुछ स्टूडेंट छूट गया था बुक के लिए,
तो न्यू स्ट्रेटेजी आने वाली है, पुरानी ना देखिए कृपया करके, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बच्चे पुरानी पढ़ के चले जाएंगे फिर मुझे गाली बकेंगे कि हाँ ये पढ़ाया था आया कुछ नहीं। अरे भाई वो नहीं पढ़नी, वो पुरानी पेपर की है, हम नए पेपर की नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम, ठीक है जी। तो कृपया करके चैनल पे बने रहिए, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करें, बड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, सीएमए के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत कम आते हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें। बुक लेनी है तो आप नीचे कर सकते हैं, मैं गारंटी दे रहा हूँ बुक में से 100% क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे, कम से कम 50 मार्क्स का पेपर इसी बुक से आएगा, मिनिमम कह रहा हूँ 50 से 60 नंबर का आएगा पेपर में, इससे क्वेश्चन पेपर में आएंगे, क्योंकि ये 6 साल से मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं, अब भी आएंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटेजी की। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ वहां पर मैं डालता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल जरूर करिएगा, उसको प्रमोट करने के लिए नहीं बनाया, उसको सिर्फ बनाया है आपको अपडेट देने के लिए ऑन टाइम, इसलिए बनाया है। जितने भी अपडेट आते हैं, छोटे मोटे अपडेट आते हैं, जैसे कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया या एग्जाम फॉर्म का अपडेट आ गया, वो सारे मैं वहीं पर बता देता हूँ, जिसको बच्चे को वीडियो नहीं देखनी वो डायरेक्टली देख सकता है, ठीक है जी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और बुक के लिए हमें व्हाट्सअप करिए, और नई स्ट्रेटेजी नई आएगी, पुरानी ना देखें कृपया करके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।